पर्सन घोर पापी है तो वो 5 घंटे फिर भी साधना करता है और बाकी के दिन संसार का काम करता है और संसार में ही अपना मन रखता है बाकी के टाइम में। तो उन्होंने बोला है कि उस हिसाब से 0.01% अगर मन एंड ऑफ द डे क्लीन होगा तो 100 दिनों में 1% होगा, उस हिसाब से 10,000 दिनों में यानी कि 28 साल में 100% होगा। तो क्या ऐसे करने से हम 28 साल में भगवत प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि 100% क्लीन हो जाएगा ऐसा? आप गंदा भी तो करते जा रहे हैं ना मन मन को। आपने 1% साफ किया और 10% गंदा कर लिया, तो आपको फिर से साफ तो करना पड़ेगा ना। बढ़ता भी तो जाए, गंदगी की जो सीमा है वो तो बढ़ती जाएगी। जैसे आपने कपड़े को साफ कर लिया और फिर उसको नाली में डाल दिया, तो आपको फिर उसको साफ करने में उतना ही टाइम तो फिर लगेगा ना। अभी तो आपने 1% ही साफ किया था उसको, 100% आपने कपड़े को साफ भी नहीं किया था। 1% साफ किया तो फिर आपने उसको गंदगी में डाल दिया, तो फिर आपको उतनी ही मेहनत पड़ेगी। तो 1% से आप आगे बढ़ेंगे कैसे? इसलिए ये पहले से ही समझे रखिए कि हमें तो मन की शुद्धि करनी है और इसके लिए हमें साधना करनी है। ये मत सोचो कि हमने 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे साधना की, 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटे साधना की तो कुछ परसेंटेज तो हमारा मन शुद्ध हुआ, तो ऐसे करते करते हो जाएगा। अभी आप चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आप कर रहे हो, लेकिन हमको लक्ष्य तो ये बनाना है ना कि इसी जन्म में हमको भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि अगला जन्म हमको मनुष्य का मिले ना मिले, जहां हम इतने पाप कर रहे हैं, यानी 24 घंटे में से 1 घंटा हम केवल भगवान का नाम ले रहे हैं, 1 घंटा हम पाप नहीं कर रहे हैं, बाकी टाइम पाप कर रहे हैं। तो हम निरे पाप करते जा रहे हैं, अपराध करते जा रहे हैं, तो हम ये कैसे आशा करते हैं कि अगला जन्म हमको मनुष्य देह मिलेगा? यानी कितने जन्मों के बाद फिर हमको मनुष्य देह मिलेगा, फिर आपको साधना करने का अवसर मिलेगा। तो आपने जो 1% साधना कभी की थी उसके आगे आप बढ़ेंगे, तो फिर वही समस्या है कि अगर आप फिर वही करेंगे तो फिर जहां के तहां रह जाएंगे। और यदि आप प्लस करते गए, बढ़ाते गए, तो भगवत प्राप्ति तो इसी जन्म में भी हो सकती है। हमको तो लक्ष्य यही बनाना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, हम संसार में हमें रहना पड़ेगा, संसार के काम तो हमें करने पड़ेंगे, काम पे जाना है, घर में रहना है, बहुत सारे काम घर के होते हैं, बाहर के होते हैं, वो करना है। लेकिन उसका भी इलाज क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बता दिया है कि काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, संसार में रहोगे तो संसार की ड्यूटीज तो करनी पड़ेंगी। लेकिन यत रोचि यत शांति यत जुहोषि ददाति यत तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम्। ये प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी, हर काम प्रैक्टिस से हो जाता है। यदि हम ये आज से प्रैक्टिस शुरू कर दें कि हम कुछ भी करेंगे, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, या हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं, या हम सफाई कर रहे हैं, या हम कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम मन ही मन भगवान का ध्यान करते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे। तो धीरे 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 1% से वो प्रैक्टिस शुरू होते होते 10%, 20%, 30% और फिर 100% वो होने लग जाएगा। ये प्रैक्टिस हमें करनी है, अपना कल्याण के विषय में हमें सोचना है, हम बहाने नहीं बना सकते। और यदि हम सोचे ये कर तो रहे, चलो 100 जन्म में हमारा हो ही जाएगा उद्धार, तो यही तो हम सोचते आए हैं अनादिकाल से, तो आज तक कुछ हो नहीं पाया हमारा, क्योंकि हम कमाते कम गमाते ज्यादा हैं। हमें सावधान होकर करना है। जब आपको पता चल गया कि साधना करनी, तभी तो आप साधना कर रहे हैं, नहीं तो हम 1% भी क्यों कर रहे हैं? आपको ये पता चल गया है कि साधना में ही कल्याण है, उससे भगवत प्राप्ति होगी, तो आप जब साधना कर ही रहे हैं तो उसको समझ के करिए और ये कोशिश करके करिए कि नहीं, हम अपराध नहीं करेंगे। दृढ़ संकल्प करिए, संकल्प करने से, प्रयास करने से सब हो जाता है धीरे धीरे करके। तो बाकी टाइम में हमें भगवत स्मरण करना है। कोई हानि होती है उसे भी भगवत कृपा समझिए, कोई लाभ होता है उसे भी भगवत कृपा समझिए। ये अभ्यास से ऐसा होने लग जाएगा। शुरू शुरू में नहीं होगा, शुरू शुरू में भी आप कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा होगा, फिर और कोशिश करेंगे तो और होने लग जाएगा।
फिर और कोशिश करेंगे तो और होने लग जाएगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा। जो कुछ आज तक हम लोगों ने सीखा है, करवट बदलने से लेकर भागने दौड़ने तक और तमाम और प्रकार के बड़े बड़े काम करने तक, सब प्रैक्टिस से सीखा है। और यहाँ पर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी।